अब वो दिन चले गए भाई कि बजट ट्रैवलिंग वाले हो सकता है आने वाले टाइम पे हर सिटी में आपका भाई फ्लाइट से जाया करेगा। अगर यहाँ की पढ़ा लिखा कोई है तो उसको 10,000 युआन आराम से मिलते हैं। 10,000 युआन हो गए इंडिया के 1,20,000 रुपये। तो यहाँ कमाने के लिए आप आ सकते हो, जो हम अमेरिका यूरोप इतनी दूर दूर भागते हैं कमाने के लिए, तो ये तो हमारा पड़ोसी देश है। बहुत सारे इंडियन मैंने इस सिटी में देख लिए और बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। वेटर्स वगैरह यहाँ पर काम करते हैं रेस्टोरेंट्स वगैरह में, उनकी भी सैलरी जो है वो कम से कम 5 से लेकर 7,000 युआन तो है। तो 1 युआन 12 रुपये का है, तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कि कितना अच्छा ऑप्शन है यहाँ पर काम करने का। और जितनी सारी बिल्डिंग्स देख रही हैं ये शेंजन के एरिया में आती हैं और सब में कुछ ना कुछ ऑफिसेस हैं, किसी ना किसी चीज़ से रिलेटेड हैं और पूरा हब है यहाँ पर पैसा कमाने का। हम पहुंच गए हैं चाइना और हांगकांग के बॉर्डर के पास। तो यहां से आपको दिखाता हूं, अभी शेंजन में हूं, यहां से दिखाता हूं कि हांगकांग कितना नज़दीक है। चाइना का ही पार्ट था कभी, बट अब सेपरेट हो गया, उसको दूसरे देश में गिना जाता है, बट इतना दूर नहीं है। तो ये एक लोकेशन पे मेरे होस्ट मुझे लेके आए हैं। देखिए ये समुंदर है, ये जो बिल्डिंगें दिख रही हैं ये है शेंजन के अंदर, चाइना के अंदर। और ये पुल अगर आपको दिख रहा हो, यहाँ से गाड़ियाँ जा रही हैं, ये पुल जोड़ता है हांगकांग से। तो ये सामने जो बिल्डिंग दिख रही है आपको, ये है हांगकांग। इनकी करेंसी भी अलग है, इनका फ्लैग भी अलग है, बट कुछ चाइना की करेंसी वहाँ चलती है, तो चाइना के जो युआन है वो भी वहाँ यूज़ होते हैं, बट उनका अपना फ्लैग और अपनी करेंसी है। अगर भारत से हमें चाइना की तरफ फ़्लाइट लेनी है तो उसके लिए हमें हांगकांग आना पड़ता है, क्योंकि सस्ती फ़्लाइट सिर्फ हांगकांग की मिलती है। भारत से या किसी और देश से होते हुए हमें आना है तो हांगकांग से ही होकर आना पड़ता है। हांगकांग से वाया आप मेट्रो, वाया ट्रेन या कार से शेंजन में एंट्री कर सकते हैं। तो इसका लैंड बॉर्डर कैसा होगा कैसा नहीं होगा मैं आने वाले वीडियोस में दिखा दूंगा, हो सकता है मेरा प्लान बन जाए हांगकांग जाने का। फ़िलहाल अभी प्लान नहीं है क्योंकि भारतीयों को वीज़ा नहीं चाहिए, बट वीज़ा एक ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है, वीज़ा की तरह ही होता है, बट उसकी पेमेंट नहीं होती। तो वो वीज़ा भी मैंने ले लिया है, बट अभी जाऊंगा या नहीं जाऊंगा कोई प्लान नहीं है, क्योंकि ट्रैवलिंग के टाइम पे मेरा कुछ पक्का नहीं होता कि मैं किधर से कहाँ निकल जाऊं। तो ऑन द स्पॉट प्लान बनाऊंगा कि मुझे हांगकांग जाना है या किस देश में जाना है या वापस इंडिया जाना है, कोई प्लान नहीं है। तो दोस्तों भाई ने मुझे ये एक लकड़ी की घिया बनी हुई दी है, गिफ्ट दिया है। भाई ने बोला कि चाइना के लोग मोस्टली इसको अपने घर में रखते हैं, जो अपने घर में रखता है ये लक्की होता है, उसके पास बहुत पैसा आ जाता है। तो इन्होंने मुझे ये गिफ्ट दिया, शेषे थैंक यू कि आप इसको भारत ले जाएं और आने वाले टाइम पे आप पे पैसा ही पैसा होगा। तो भाई अब हम फ्यूचर में बिलियनियर मिलियनियर पता नहीं कितने कितने पैसे वाले करोड़पति अरबपति होने वाले हैं। तो वो दिन दूर नहीं कि आपका भाई करोड़पति अरबपति होने वाला है इस घिया की बदौलत। तो देखते हैं इनका ये यंत्र, इनकी ये घिया भारत में काम करेगी या नहीं करेगी। बट इन्होंने मुझे बहुत दिल से दी है और बोला है कि ये लकी है, आप लेके जाओ इसको इंडिया में। तो देखते हैं ये काम करेगी, तो अमीर हो गए तो इनसे मिलने दोबारा ज़रूर आऊँगा और फिर आता ही रहूँगा। और ये घिया हो सकता है इंडिया में मेरे बाद बहुत लोग यहाँ से लेके जाएं। तो उन्होंने बोला खुद खरीदने से अच्छा अगर आपको कोई गिफ्ट करे तो ये लकी साबित होती है। तो मुझे भाई ये गिफ्ट मिल गया है। तो अब वो दिन चले गए भाई कि बजट ट्रैवलिंग वाले हो सकता है आने वाले टाइम पे हर सिटी में आपका भाई फ्लाइट से जाया करेगा, तो बिकॉज ऑफ इस घिया। बट ये लोग इसको मानते हैं, तो ये मानते हैं, रिस्पेक्ट से इन्होंने दिया है मुझे, तो मैं भी इसको रिस्पेक्ट से इंडिया लेके जाऊंगा। कुछ भी हो सकता है, मिलियनर बिलियनर भी हो सकते हैं और जो लाइफ चल रही है करंट में वो भी चल सकती है। बड़े बड़े शिप चलते हैं यहाँ पर समुंदर के अंदर, अभी नहीं दिख रहे। और दूसरी बात, भाई ने मुझे बताया कि यहाँ पर जो एक नॉर्मल मजदूर है उसकी जो मिनिमम सैलरी है वो 5,000 से 10,000 युआन है। 5,000 युआन इंडिया के मेरे ख्याल से 60,000 के करीब होते हैं, 5,000। तो आप उसको कैलकुलेट कर लेना कि 10,000 युआन कितने होते हैं। तो ये कह रहे हैं कि पढ़ा लिखा कोई है तो उसको 10,000 युआन आराम से मिलते हैं। 10,000 युआन हो गए इंडिया के 1,20,000 रुपये। तो यहाँ
कमाने के लिए आप आ सकते हो, जो हम अमेरिका यूरोप इतनी दूर दूर भागते हैं कमाने के लिए, तो ये तो हमारा पड़ोसी देश है। बहुत सारे इंडियन मैंने इस सिटी में देख लिए और बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। यहाँ पैसा कमाओ और भारत में भेजो तो फ़ायदा है, बट यहाँ रह के अगर आप यहीं उसको स्पेंड कर रहे हो तो एक्सपेंसिव है, क्योंकि यहाँ पार्किंग, खाना पीना, काफ़ी चीज़ें महंगी हैं। तो जो लोग इंडियंस यहाँ देखे मैंने, वो यहाँ कमाते हैं और भारत भेजते हैं। तो इन्होंने बोला कि जो वेटर्स वगैरह यहाँ पर काम करते हैं रेस्टोरेंट्स वगैरह में, उनकी भी सैलरी जो है वो कम से कम 5 से लेकर 7,000 युआन तो है। तो 1 युआन 12 रुपये का है, तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कि कितना अच्छा ऑप्शन है यहाँ पर काम करने का। और जितनी सारी बिल्डिंग्स दिख रही हैं, ये शेंजन के एरिया में आती हैं और सब में कुछ ना कुछ ऑफिसेज हैं, किसी ना किसी चीज़ से रिलेटेड हैं, और पूरा हब है यहाँ पर पैसा कमाने का। तो भाई अपनी गाड़ी में लेके आए हैं, मुझे घुमा रहे हैं। तो ये है मेहमान नवाजी चाइनीज़ लोगों की, कि भाषा भाई को नहीं आती, पर भाई ने ये यंत्र लिया हुआ है, इससे हम दोनों एक दूसरे से बात कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले क्या हुआ, भाई मुझे एक जगह पे लेके गए थे और इसको चार्ज करना भूल गए, इसकी बैटरी रह गई 10%। तो भाई को एकदम टेंशन होगी कि भाई इसकी बैटरी ख़त्म होने वाली, हम बात कैसे करेंगे। तो मैंने बोला कि मेरे पास पावर बैंक है, आप उसको यूज़ कर लीजिए। तो जैसे ही पावर बैंक दिया, भाई के जान में जान आई कि चलो मैं अब बात तो कर सकता हूँ आपसे। और ये देखिए, ये कुछ गोताखोर है यहाँ पर जो इस समुंदर में प्रैक्टिस करते हैं या डुबकी लगाते हैं, जो भी है। इनके देखिए बॉडी के पीछे सिलेंडर लगा हुआ है। लोग इस शेंजन को जानते हैं दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के नाम से, बट ये शहर भी बहुत सुंदर है और हांगकांग के बिल्कुल ही नज़दीक में है। देखिए कितना अच्छा एरिया है। मैं इनसे इस जगह का नाम पूछता हूँ, क्या आप मुझे इस जगह का नाम बता सकते हैं? इस जगह को शेंजन और मैग्रोव पार्क कहा जाता है। तो शेंजन बे और मैग्नो पार्क ये कहा जाता है। अगर आपको भी आना है शेंजन, तो आप इस लोकेशन पे आके इस चीज को एक्सप्लोर, इस जगह को एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन हमें मैग्रोव को देखने के लिए बहुत दूर जाना होगा। ओके ओके ओके। तो भाई देख रहे हो कैसे मुझसे बात कर रहे हैं इसके थ्रू, अगर ये डेड हो जाएगा तो हम बात नहीं कर सकते आपस में। और मुझे लग रहा है यहाँ पर शेंजन का जो एयरपोर्ट है नज़दीक है, क्योंकि बहुत सारी फ्लाइट्स मुझे दिखती जा रही हैं बार बार। तो एक फ़्लाइट देखिए ये जा रही है, तो मैंने जब से आया हूँ कम से कम 10 से 15 फ्लाइट्स देख ली हैं। अभी यहाँ से आ रही है, वहाँ जाके नीचे हो जाती है, तो उस पहाड़ की तरफ ही कहीं ना कहीं इसका एयरपोर्ट है शेंजन सिटी का। और इधर है हांगकांग का एयरपोर्ट, तो इतनी छोटी सी फ्लाइट है, बट मुझे लग रहा है कि हांगकांग से शेंजन आने के लिए कोई फ़्लाइट नहीं होगी, हांगकांग से और सिटीज़ में जाने के लिए फ़्लाइट होगी। देख रहे हो आप, कभी चाइना का पार्ट होता था हांगकांग, आज दूसरी कंट्री कहलाता है। इनसे पूछते हैं कि चाइनीज़ लोगों को भी वीज़ा चाहिए हांगकांग जाने के लिए, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि चाइना के लोगों को भी हांगकांग जाने के लिए वीज़ा की ज़रूरत है? हम इसे साल में एक बार कर सकते हैं और हम कई बार यात्रा कर सकते हैं। ओके। तो जैसे हम भारतीयों के लिए है हांगकांग का वीज़ा कि हमें फ्री में वीज़ा मिल जाता है, तो ऐसे ही चाइनीज़ लोगों के लिए भी है। इतना आसान नहीं है, इनको भी एक पास लेना पड़ता है, बिना पास के ये भी हांगकांग में एंट्री नहीं ले सकते। एक पास इनका 1 साल के लिए वैलिड होता है, उस पास पे फिर ये कितनी बार एंट्री ले सकते हैं चाइना से हांगकांग, हांगकांग से चाइना। दोस्तों ये है भाई की गाड़ी होंडा की, जिसमें ये मुझे घुमा रहे हैं पूरा शेंजन। भाई का नाम है लियो होमगवेन, ब्लैक कलर की गाड़ी है। तो भाई यहाँ पर है बिजनेसमैन, कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं जो चाइना में ये सेल करते हैं। तो जो लोग तारीफ के लायक हैं उनकी तारीफ करनी चाहिए। भाई ने अभी तक
जहाँ जहाँ मुझे खाना खिलाया, भाई घर पे कुकिंग नहीं करते, भाई की फैमिली रहती है बीजिंग से ऊपर, हेबे जगह का है, एक हेबे है जगह, भाई वहाँ के रहने वाले हैं, पर शेंजन में पिछले 16 साल से बिजनेस कर रहे हैं, तो अपने घर आते जाते रहते हैं और पिछले 16 साल से यहीं हैं। और भाई बोल रहे हैं कि 16 साल में सिर्फ एक या दो दिन होगा कि मैंने घर पे कुछ बनाया होगा, भाई सुबह से लेकर शाम तक बाहर ही खाते हैं, इनके पास इतना टाइम ही नहीं है कि वे कुकिंग कर सकें। तो एक चीज़ और बताता हूँ आपको, दो दिन हुए हैं मुझे अभी यहाँ पर, ब्रेकफास्ट लंच और डिनर, इसके लिए मुझे ऐसी ऐसी जगह पर लेके जा रहे हैं ये। पहले दिन तो मुझे वो दिखाया था आपको, सेकंड हाईएस्ट जो शेंजन की बिल्डिंग है वहाँ पर इन्होंने मुझे लंच करवाया, और उसके बाद भी जहाँ जहाँ मुझे लेके जा रहे हैं, एक दिन रात को ले गए मुझे इंडियन रेस्टोरेंट जहाँ पर मैंने डिनर किया, तो अभी तक जहाँ जहाँ इन्होंने कराया उसका बिल ना ना करते हुए 5,000 6,000 7,000 8,000 ऐसे आ रहा है भाई, कोई भी कंजूसी नहीं कर रहे, दिल दरिया है भाई का, भाषा चाहे नहीं आती पर जो इनका काइंड हार्ट है वो देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों भाई ने मुझे अभी एक चीज़ बोली कि लोग चाइना के लोगों की बुराई करते हैं, चाइना के बारे में बुरा बोलते हैं, अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप चाइना आओ, चाइना के लोगों की हॉस्पिटैलिटी देखो। बाकी आप मेरी वीडियोस देख ही रहे हैं, आपने बहुत सारे सारे चाइना के मेरे होस्ट देखे, तो आप कमेंट सेक्शन में बताना कि चाइना के लोग आपको कैसे लगे। तो फाइनली घूम फिर के अपने होस्ट के घर आ गया हूँ, और घर के बारे में बताऊँ तो पूरा सिस्टमैटिक रूम है इनका, ये इसमें कुछ बोलते हैं, ये एक तरह से इनका साथी है, एक तरह से ये रोबोट है, यहाँ बोलते हैं और कि लाइट चालू कर दे, लाइट बंद कर दे, ये कर दे वो कर दे, पूरी जो इलेक्ट्रॉनिक है रूम की वो इससे रिलेटेड है, ये इसको बोलेंगे तो ये लाइट जल जाएगी, ये इसको बोलेंगे लाइट बंद तो ये बंद, ये बोलेंगे सिस्टम ऑन हो जाएंगे, यहाँ बोलेंगे सिस्टम बंद तो बंद, वहाँ बेड पर लेटे लेटे सारे फंक्शन ये इसके थ्रू करते रहते हैं, इसको इंस्ट्रक्शन देते हैं और ये अपने आप ऑपरेट करता है, पता नहीं क्या सिस्टम है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, जो भी करना होता है वहाँ बेड पर लेटे लेटे या दूर बैठे बैठे इसको बोलते हैं और ये कर देता है। मी हाओ, ये देखिए ये इसको बोलेंगे और ये कुछ बोल देगा, मी हाओ। ये देखिए इन्होंने बोला कि हिंदी गाने चला दे, तो शायद हिंदी गाने चला दे। अभी देख लो सारी चीजें, ये एक इनका रोबोट है जो पूरा ऑपरेट करता है इनके पूरे रूम को। आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई के चैनल के सपोर्ट के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब और एक प्यारा सा जाते जाते कमेंट जरूर कर दिया करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग।